नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। दोपहर में लगभग 1 बजे से लेकर शाम लगभग 4 बजे के दरमियान जवाहर रोड पर खड़े हनुमान जी मंदिर के पास पाइपलाइन की लीकेज को सुधारने के लिए काम चल रहा था। इस काम के चलने के दौरान लगभग 4 घंटे तक भयानक जाम की स्थिति बनी रही और इसमें न सिर्फ बसें बल्कि ट्रक और साथ ही साथ स्कूल की बसें फंसी रहीं, जिसमें मासूम बच्चे इस भयानक गर्मी में बसों के भीतर पकते रहे। दरअसल ये पूरा मामला बेहद लापरवाही का है। यहां पर नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा काम किया जा रहा था, लेकिन इसकी सूचना यातायात पुलिस को नहीं दी गई। इस मामले में यातायात प्रभारी का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की सूचना अगर होती तो वे यातायात को डायवर्ट करने की कोशिश करते या फिर नो एंट्री में से ट्रकों की आवाजाही को रोका जाता, लेकिन इस बात पर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और बीच रोड पर काम सीधे शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 4 घंटों तक जवाहर रोड पर खड़े हनुमान जी मंदिर के पास से सागर रोड में काफी लंबा जाम लगा रहा। तो वहीं पन्ना रोड पर लगभग स्टेडियम के पास तक की बसें और वाहन यहां पर जाम में फंसे रहे। देखिए, जो खड़े हनुमान जी है वहां पे नगर पालिका ने पानी की कोई पाइपलाइन बो दी बिना सूचना के, जिसके कारण तो पूरा हैवी ट्रैफिक जो निकल रहा था वो रुक गया और जाम की स्थिति बन गई पूरे शहर। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट बने रहने के लिए पेप्टिक टाइम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिले भर की जानकारियां और सूचना अपने मोबाइल पर पाइए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।